हेलो तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आपका अपने खुद के चैनल टैक वाले मंच पर। तो आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो होने वाली है हमारी मोटरोला की S30 सीरीज में। दो मोबाइल लॉन्च हुए हैं जो कि मोटरोला S30 अल्ट्रा, मोटरोला S30 फ्यूजन। तो मोटरोला S30 अल्ट्रा की मैंने वीडियो पहले बना दी है, अगर उसे आप देखना चाहते हैं ऊपर वाला आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको मोटरोला S30 फ्यूजन का बताना रहा हूँ जो कि बहुत बड़े स्मार्टफोन है। तो इस कार में इस वीडियो के अंदर बताना रहा हूँ, तो आप जानना चाहते हैं मोबाइल का, तो वीडियो को एंड देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी टेक की न्यूज़ जल्द से जल्द पाने के लिए आपका अपने खुद का चैनल टैक वाले मैसेज पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं पहले कि इसका बॉक्स कैसे देखने को मिलता है। तो बॉक्स आपका सिंपली ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, बहुत सिंपल सा देखने को मिलता है। बिकॉज सिंपल इसलिए है क्योंकि ये रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए आपको ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। और जो ब्लैक कलर का लोगो आपका मोटोरोला का होता है, ऐसा आपको बॉक्स देखने को मिलता है। आते हैं एसेसरीज के देखने को मिलते हैं। एसेसरीज में आपको स्मार्टफोन केस, एक स्मार्टफोन, एक सिम इजेक्टर टूल, एक यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी, और एक आपको डॉक्यूमेंटेशन, और एक आपको 68 वाट का चार्जर आपको देखने को मिलता है। 68 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। ये कुछ एसेसरीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। आते हैं फिजिकली देखने में कैसा है ये। तो फिजिकली जैसे कि हमारा मोटोरोला S30 अल्ट्रा था, बैक से और फ्रंट से दोनों तरफ से कर्व्ड था ये, ऐसा ही ठीक आपको फ्यूजन देखने को मिलता है। ये भी बैक से और फ्रंट से कर्व्ड है आपका, और बहुत ही प्रीमियम सा लुक देखने को मिलता है इस मोबाइल को। पीछे से आपको मैट फिनिश हल्की हल्की आपको देखने को मिलती है। ऊपर आपको तीन कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, और जो कैमरा सेटअप में ग्लास लगा हुआ है वो भी डुअल टोन ग्लास आपका देखने को मिलता है। आपको ऊपर सिल्की सा और नीचे मैट फिनिश देखने को मिलता है। तो ऐसा आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। वहाँ पर आपका LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। ऐसा आपको बहुत पतला सा मोबाइल देखने को मिलता है ये। और इसका अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि हमारी मोटोरोला S30 अल्ट्रा में भी है। और ऊपर आपके तरफ ऊपर की तरफ आपको एक माइक देखने को मिलता है। यही राइट की तरफ आपको ऊपर वॉल्यूम लॉकर और नीचे की तरफ पावर बटन, और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, सी टाइप पोर्ट चार्जिंग के लिए एक माइक और एक सिम स्लॉट देखने को मिलता है जो कि डुअल सिम स्लॉट है, दो नैनो सिम आप डाल सकते हैं बड़े आराम से। और लेफ्ट की तरफ आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलता है, लेफ्ट की तरफ आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। ऐसा आपको साइड देखने को मिलती है। और अगर आप देखेंगे फ्रंट में तो फ्रंट में आपको अच्छे से डिस्प्ले देखने मिल जाती है। सेंटर पंचोल आपको डिस्प्ले देखने मिलती है, सेंटर पंचोल आपको डिस्प्ले देखने मिलती है। अगर IP रेटिंग देखेंगे तो आपको IP रेटिंग 52 की देखने मिलती है, 52 की आपको IP रेटिंग देखने मिलती है। अगर वेट अगर देखेंगे तो वेट इसका मोटोरोला S30 अल्ट्रा से कम है, 175 ग्राम आपको इसका वेट देखने मिलता है, 175 ग्राम आपको वेट देखने मिलता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सेट हाथ में सेट हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत अच्छा ग्रिप आता है इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा फिजिकल देखने में है ये। आते हैं डिस्प्ले कैसी है। तो डिस्प्ले आपको देखने मिलती है 6.55 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने मिलती है जो कि POLED डिस्प्ले है। 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिलता है, 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। और इसमें आपको टच सैम्पलिंग रेट 360Hz का देखने को मिलता है, 360Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट इसमें देखने को मिलता है। और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है 402 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी इसकी देखने को मिल जाती है डिस्प्ले की। तो अच्छी खासी पिक्सल डेंसिटी आपको देखने मिलती है, अच्छा खासा रिफ्रेश रेट, अच्छा खासा टच सैम्पलिंग रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहीं आपको एक 10 बिट कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, तो एक बहुत अच्छी कलर एक्यूरेसी आपको इसमें देखने को मिलेगी डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको एक बहुत अच्छी कलर एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको H+10 का सपोर्ट डिस्प्ले में मिला है। 1100 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 1100 nits की आपको ब्राइटनेस में देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। और इसके व्यू एंगल बहुत अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल इसके बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको कलर एक्यूरेसी कम नहीं रहेगी। व्यूइंग एंगल इसके बहुत बढ़िया दिए गए हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसमें आपको दी गई है, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आते हैं प्रोसेसर, प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम का Snapdragon 888+, 888+ आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है, अच्छा खासा आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है प्रोसेसर भी। OS आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड आपको OS देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। कंपनी का कहना है 2 साल के आपको एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेंगे, एंड्रॉयड अपडेट्स आपको 2 साल के देखने को मिलेंगे। और इसमें आपकी जो रैम है LPDDR5 और स्टोरेज UFS 3.1 देखने को मिलती है, स्टोरेज UFS 3.1 देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। थिंक शील्ड की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है इनमें, थिंक शील्ड की आपको प्रोटेक्शन देखने मिलती है जो कि मोटोरोला को बहुत सारे मॉडल में देखने को मिलती है, तो थिंक शील्ड की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जो बहुत अच्छी बात है। आते हैं कैमरा सेटअप, कैमरा सेटअप कैसा है इसका। तो कैमरा सेटअप अगर आप मोटोरोला S30 अल्ट्रा का देखेंगे तो उसमें तो 200 MP का कैमरा दिया गया आपका, बट इनमें आपका 200 MP का कैमरा नहीं है। इसमें मेन कैमरा 50 MP और सेकेंड कैमरा आपका 13 MP का वाइड एंगल, और तीसरा का कंपनी ने बताया नहीं कितने मेगापिक्सल का है, बट तीसरा आपका डेप्थ और मैक्रो की तरह काम करता है। तीसरा कैमरा डेप्थ और मैक्रो दोनों की तरह काम करता है। तो ऐसा आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा आपकी फोटोग्राफी कर लेता है।
अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं इससे, बढ़िया फोटोग्राफी हो जाएगी आपकी। जैसे कैमरा सेटअप है ये, और जैसे कि मैंने देखा है एक्सप्लोर करके वेबसाइटों पे, तो अच्छा खासा आपका कैमरा सेटअप देखने को जाता है ये, बहुत ठीक आपकी फोटोग्राफी कर लेता है ये। इसमें अगर आप वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी आप 4K में कर सकते हैं, 30 FPS में, 4K में 30 FPS में वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 4K में आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये अगर आपने फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा को देखने को मिलता है 32 MP का, 32 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। ये भी आपकी अच्छी खासी सेल्फी ले लेता है, अच्छी खासी आपकी सेल्फी ले लेता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी खासी आपकी सेल्फी ले लेता है ये। अगर आप वीडियोग्राफी की बात करेंगे तो ये अल्ट्रा एच डी में आपकी वीडियोग्राफी कर सकता है 30 FPS में, और फुल एच डी में भी 30 FPS में कर सकता है। अल्ट्रा एच डी और फुल एच डी दोनों में 30 FPS में कर सकता है वीडियोग्राफी आपकी, तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपको देखने को मिल जाती है इसमें कैमरा में। तो कैमरा क्वालिटी अगर आप जिस प्राइस रेंज का है, अगर उस हिसाब से आप कैमरा क्वालिटी देखेंगे तो आई थिंक थोड़ी और बेस्ट हो सकती थी, बट ये भी सही है। अगर आप, मैं तो कहना चाहता हूँ अगर थोड़ी और बेस्ट होती तो और बढ़िया रहता। आते हैं इसका एक फीचर जो आपको देखने मिलता है, रेडी फोर का फीचर बहुत बढ़िया फीचर फ्रेंड, जो आपको मोटरोला H30 Ultra में भी देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल है, इसको आप बिग स्क्रीन कर सकते हैं, इसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसे आप अपने TV से कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। मोबाइल को आप अपने लैपटॉप TV से कनेक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, और बिग स्क्रीन का मजा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लैपटॉप से आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ में देखने को मिलती है, बिग स्क्रीन कर सकते हैं, बहुत बड़े आपको फीचर देखने को मिलता है रेडी फोर का फीचर, आप लैपटॉप से बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। आते हैं अगर हम, तो इसमें फीचर वैसे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको फीचर देखने मिलते हैं, फॉन्ट बदलने का, थीम बदलने का, आपको बहुत सारे फीचर देखने मिलते हैं। मोटरोला का मोबाइल में वैसे बहुत सारे फीचर देखने मिलते हैं, डबल टैप का आपको बैक में डबल टैप का स्क्रीनशॉट का फीचर, बहुत सारे आपको फीचर, आप अगर हिलाएंगे तो आपकी फ्लैश जल जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे फीचर आपको मोटरोला के मोबाइल में देखने मिल जाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। भी गेमिंग पर आए तो अगर गेमिंग में आप अल्ट्रा सेटिंग पर कर सकते हैं, अल्ट्रा सेटिंग तक आप जा सकते हैं गेमिंग में, अच्छी खास जब गेमिंग होगी अपर सेटिंग पर आप खेल सकते हैं गेम, तो ये बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। और अगर आप इसे गेमिंग में टीवी से कनेक्ट करते हैं मोबाइल को, तो आप 8K गेमिंग का ही मज़ा ले सकते हैं, 8K गेमिंग का ही मज़ा आप ले सकते हैं टीवी में इस मोबाइल से। अगर आप टीवी से कनेक्ट करते हैं तो आप 8K गेमिंग भी कर सकते हैं टीवी में, तो बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। स्पीकर आपको बहुत बड़े देखने मिलते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने मिलते हैं, जो कि डॉल्बी एटमॉस के फीचर के साथ आते हैं, तो एक बहुत अच्छा आपको साउंड आने वाला है, बहुत अच्छा साउंड आपको मिलने वाला है इस मोबाइल से। और मल्टीमीडिया के लिए स्क्रीन बहुत अच्छी दी गई है, और साउंड के लिए डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट दिया गया है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप मल्टीमीडिया वॉच करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है इसमें। कहा जाए तो एक अच्छा खासा आपको मोबाइल देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा आपको मोबाइल देखने को मिल जाता है। आई थिंक कैमरा सेटअप और थोड़ा बेस्ट रह सकता था, वैसे आपको मोबाइल अच्छा खासा देखने को मिलता है। सेंसर आपको इन डिस्प्ले सेंसर देखने को मिल जाता है, और फेस अनलॉक दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं, और दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं दोनों, कोई टाइम नहीं लगता है आपको मोबाइल ऑन होने में, बहुत अच्छी बात है। भी कनेक्टिविटी देखेंगे तो 5G का आपको 13 बैंड देखने को मिलते हैं, 5G का आपको 13 बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया में वैसे 5G आने वाला है दिवाली पर, तो बहुत अच्छी बात है। भी Wi-Fi 6E आपको देखने को मिलता है, Wi-Fi 6E आपको देखने को मिल जाता है, Bluetooth 5.2 देखने को मिल जाता है, Bluetooth 5.2 देखने को मिल जाता है, 4x4 मीमो आपको देखने को मिल जाता है, 4x4 आपको मीमो देखने को मिल जाता है, तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इस मोबाइल की है। 5G का आपको 13 बैंड देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो एक अच्छा आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है इसमें। ये देता है बैटरी पर, तो बैटरी आपको देखने को मिलती है 4400 mAh की, 4400 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, तो एक अच्छी खासी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, तो वो भी बहुत बैटरी कम लेगा, तो एक अच्छी खासी आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 4400 mAh की। 68 वाट की आपको टर्बो चार्जिंग देखने को मिलती है, 68 वाट की टर्बो चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो आपको मोबाइल को बहुत जल्दी चार्ज कर देगी, तो ये भी आपको बहुत अच्छी बात देखने को मिल जाती है, टर्बो चार्जिंग मिलती है आपको इसमें। और कंपनी का कहना यह है अगर आप इसे 10 मिनट तक चार्ज करते हैं, अगर आप इसे 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आप इसे पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं। कंपनी का कहना यह भी है कि अगर आप इसे 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आप इसे पूरे दिन तक यूज़ कर सकते हैं, एक दिन तक, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आता है वेरियंट कहते हैं, तो वेरियंट आपको ओनली एक है, 8128 मोटोरोला H30 Ultra में भी ओनली एक ही वेरियंट है, 8128, और इसमें भी आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलता है 8128। कलर आपको दो देखने को मिलते हैं, सोलार गोल्ड और कॉस्मिक ग्रे, दो कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। आते हैं इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस इसकी आपको देखने को मिलती है 42,999 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 43,000 के आसपास की आपको प्राइस देखने को मिलती है, 43,000 के आसपास की आपको प्राइस देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छा मोबाइल देखने को मिल जाता है। आई थिंक कैमरा सेटअप बहुत बेस्ट हो सकता था, तो अच्छा खासा आपको मोबाइल देखने को मिल जाता है अगर आप देखते हैं तो। और आपको मोबाइल अच्छा लगा हो,
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।